शनिवार को दतिया पहुंचे डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित भाजपा युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा के जन्मदिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर विवेक मिश्रा के जन्मदिवस पर डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए तो वहीं मूक बधिर विद्यालय में वृद्धों व दिव्यांगों को खाना खिलाया। शनिवार को भाजपा युवा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा दतिया पहुंचे जहां उन्होंने सर्वप्रथम जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। इसके बाद मूक बधिर विद्यालय में दिव्यांग व वृद्धों को भोजन परोसा व सभी के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ खाना खिलाने पहुंचने पर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी देश का भविष्य हैं। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से आज बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम हुआ। दिव्यांग बच्चों ने अपना कौशल दिखाते हुए सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो गोला फेंक हो। मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी आसक्ति को शक्ति बनाकर जो प्रदर्शन किया है, यही चीज़ें हमारे देश को गौरव प्रदान करती है। जिस प्रकार ओलंपियंस से ज़्यादा हमारा जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें हम मेडल जीत के लाए थे, ये बच्चे ही भावी भविष्य बनेंगे भारत देश का और भारत माता का नाम रोशन करेंगे। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।